ये कैसा अजीब सा सपना था, और सपने में वो लड़की, वो नेहा थी। मुझे ये बात दीपक को बतानी होगी, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं कल सुबह दीपक से बात करूंगा। हाँ दीपक, चल रहा है यार? तुझे आज भी जाना है? वो लड़की तुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मुझे और भी कुछ बताना है, मैं तेरे घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। दीपक, कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा था, और उस सपने में नेहा थी। वो मुझे पता नहीं कहाँ बुला रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था उस लड़की से दूर रह, लेकिन तू समझने के लिए तैयार नहीं है। दीपक, तू समझ नहीं रहा है, मुझे उससे बात करना ही होगा। और वो अजीब सा बर्ताव करती है, और कल रात जो मैंने सपना देखा वो भी अजीब था, इसलिए एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। राहुल, मुझे लगता है आज वो नहीं आई है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, शायद हो सकता है वो आज ना आई हो। चलो कोई बात नहीं है, निकलते हैं। हेलो। हाँ दीपक, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, तू बता, तू क्या कर रहा है? मैं कुछ खास नहीं, चल तुझे घुमा के लाता हूँ। ठीक है, घर पर आ जा। ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि तू यही आने वाला है। हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। वो देख, वो खिड़की पर है। क्यों ना मैं उसके घर जाकर उससे बात कर लूँ? तू पागल हो गया है क्या? उसके घर जाएगा, वहाँ पता नहीं कौन कौन होंगे, ऐसी गलती मत करना। नहीं, तू समझ नहीं रहा, ये देख वो चली गई, और अब मुझे उससे बात करना है। तू यहीं रुक। तू पागल हो गया है क्या? कहाँ जा रहा है? मैं बस उसके घर से आता हूँ, तू यहीं रुके रहना। नहीं, रुक जा, मैं भी चलता हूँ। पागल है क्या तू? हाँ ये ठीक है, चल पीछे से कूद के चलेंगे। ठीक है, चलो। राहुल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये भूतिया घर है, तू गलत जगह आ गया है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन वो लड़की यहीं रहती है, और वो दिखाई नहीं दे रही। चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है, इधर उधर देखते रहो, क्या पता वो कहाँ है। राहुल, ये आवाज़ सुनी? हाँ यार, ये आसपास के ही किसी कमरे से आई है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं।
दीपक, तू यकीन नहीं करेगा कि अंदर क्या है। ठीक है, तू हट, मुझे देखने दे। अरे बाप रे, ये तो पता नहीं किसी आदमी की लाश लग रही है। राहुल, निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो निकलते हैं। देखा, मैंने तुझसे पहले कहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है, और वो लड़की भी, उसका कुछ पता नहीं चलता। वो घर में कहीं नहीं थी, तूने इस बात पर ध्यान दिया? हाँ यार, लेकिन उस वक्त जब हम दुकान पर खड़े थे तो वो अपने घर पर ही थी, वो खिड़की पर आई थी। ये तूने भी देखा था? हाँ मैंने देखा था, लेकिन ये कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ अब ये जो भी हो, कल सुबह पता चलेगा। कल सुबह कैसे पता चलेगा, इससे क्या होने वाला है? कल सुबह हम उसकी योगा क्लास में जाएंगे और वहाँ उससे बात करेंगे। उससे पूछना होगा कि तुम्हारे घर पर कौन था, क्योंकि हमने वहाँ एक लाश देखी थी। ठीक है, लेकिन क्या ये करना ठीक होगा? हाँ ये करना होगा। राहुल, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हमने कल रात उस कमरे में देखा था। ये कोई डायन है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। कल रात उस बूढ़ी औरत ने जो कपड़े पहने थे, वही कपड़े इसने पहने हैं। मतलब ये दोनों एक ही औरत हैं। मतलब ये एक डायन है, और इसने ना जाने कितने लोगों की बलि उस घर में दी होगी। हम ये सब नहीं होने दे सकते। तू पागल हो गया है क्या? हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दीपक, हमने काफी दिन इसके चक्कर में बर्बाद किए हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। जरा सोचो, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये कितने लोगों की बलि देगी। हाँ लेकिन इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीपक बात को समझ, हमें ये करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हमें इसके बारे में और पता करना होगा। चलो चले। हाय एवरीवन, टमाटर आ चुका है तफरी गेमिंग पर, और वहाँ पर आने वाला है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा। इसलिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इन सब के अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।